स्वागत करता हूं अपने एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो पे जो सप्लायर हैं उनके लिए आज की वीडियो है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कस्टमर रिटर्न क्या होता है और कोरियर रिटर्न क्या होता है। दोस्तों कस्टमर रिटर्न वो होता है जब कस्टमर के पास डिलीवर्ड हो जाता है, कस्टमर दो दिन यूज़ करने के बाद उसको जब रिटर्न करता है, उसको पसंद नहीं आता या तो प्रोडक्ट चेंज करके जब वो वापस रिटर्न करता है तो उस चीज़ को कहते हैं कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न क्या होता है? कोरियर रिटर्न वो चीज़ होती है जैसे हमें एड्रेस नहीं मिल पाया, अगर हमने डिस्पैच कर दिया अपने यहाँ से लेकिन कोरियर उसको डिलीवर नहीं कर पाया, उसको एड्रेस नहीं मिल पाया, कोरियर वाला गया लेकिन उसको एड्रेस सही तरीके से नहीं मिल पाया, गलत एड्रेस है, तो ऐसे में क्या है वो कोरियर रिटर्न आ जाता है। जो कोरियर रिटर्न आती है वो तो हमारी पैकेजिंग रहती है, जो कस्टमर रिटर्न रहता है वो कस्टमर की पैकेजिंग रहती है, कस्टमर उसमें क्या डालता है। तो आज की वीडियो में आपको मेरे पास रिसीव आया हुआ है कस्टमर रिटर्न, ये है जो कि सॉर्ट ऑफ एक्स है, ठीक है, हमारी पैकिंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर रिटर्न है। तो आज की इस वीडियो में हम इस वाले बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि कस्टमर ने अगर रिटर्न किया है तो क्या रिटर्न किया है, और अगर वापस उसने रिटर्न किया है तो क्या चीज़ रिटर्न किया है, मेरा चीज़ रिटर्न किया है या उसने मेरा प्रोडक्ट अपने पास रख के कोई चीज़ दूसरा भेजा है ना। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, है ना। ये पूरी पैक्ड है क्योंकि आपको पता है मैं भी सप्लायर हो चुका हूँ एक तरीके से मीशो पे, तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो चुका है इन सब चीज़ों का। तो ये देखो ये हमारा रहा, इसमें दोस्तों मैंने भेजा था i8 Pro Max, ठीक है, i8 Pro Max भेजा था, और ये रहा इसका डायल, ये देख पा रहे हैं i8 में कभी भी इस तरीके का स्टिकर लगता है दोस्तों? नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि फ्रॉडगिरी हो चुका है इस वाले वॉच के अंदर, इस वाले प्रोडक्ट के अंदर इस हो चुका है मेरे साथ फ्रॉडगिरी, कहते नहीं स्कैम घोटाला। ये देखो आप देखो i8 Pro Max हमने भेजा है और हमें रिसीव क्या हो रहा है, ये देखो आप सीरीज 7 का ही है ना, ये देखो आप सीरीज 7 का है, और ये देखो आप स्ट्रिप इसका बॉक्स भी गायब है इसके अंदर से, देख रहे हो, बड़ी दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, है ना। मुझे क्या, मैं तो क्लेम करूँगा ना मीशो पर, क्लेम तो हमारा एक्सेप्ट होगा। ये चीज़ें i8 हमने दिया तो हमें क्या मिला, ये चीज़ें देख रहे हो, बड़े दुख की बात है। ये देखो तो इसमें कौन सी वाली वॉच है वो हम देखते हैं, टूटी फूटी वॉच है, ये देखो पूरी ग्लास चली गई है ना, देख पा रहे होंगे आप, ये देखो आप पूरी ग्लास इसकी जो है ना चली गई है, मतलब जिसके पास जिसने भी मंगवाया था, मैं आपको बता दूँ उनका नाम, ये था गोपुर आसाम का था, ठीक है, देख पा रहे हो आप, इन्हें मंगवाया था इन भाई ने, बहुत अच्छा काम ये करते हैं यार, बहुत अच्छा काम करते हैं ये भाई, ये देख रहे हो आप, तो पूरी पूरी जो ये है ना डायल है ना इसका टूटा हुआ है, और ये मेरा डायल भी नहीं है, मैंने i8 भेजा है और मुझे रिसीव हुआ है i7, ये आप देख पा रहे होंगे i7, और इसका जो ग्लास है ना ये पूरा पूरा टूटा पड़ा है, ये देख पा रहे हैं पूरा टूटा है, डैमेज है। तो ये आजकल यही हो रहा है मीशो पे, इसीलिए जब मीशो पे है ना मैंने ऑर्डर लेना देना सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि अब नया काम शुरू करूँगा मीशो पे ही शुरू करूँगा, लेकिन नया चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में लोग एक्सचेंज कर देते हैं, अब ऐसा चीज़ भेजूँगा जो कि उसमें ना फीचर्स होंगे, ना उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, ना उसमें बैटरी बैकअप की प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसी चीज़ मैं सोच रहा हूँ बेचने के लिए, काम तो मैं करूँगा मीशो पे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मीशो के अंदर कितना स्कैम हो रहा है आज के डेट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो में तब तक के लिए बाय।